किसी भी शख्स के लिए पिता का सक्सेसफुल होना गर्व की बात है, लेकिन सक्सेसफुल पिता का बेटा होना गर्व की बात के साथ साथ एक कंपटीशन की भी बात है। आपको जिंदगी भर आंका जाएगा आपके पिता की परफॉर्मेंस से, और अगर आपके पिता ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और वहां तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, जो कि एक आम बात है कि कोई पहुंचता है कोई नहीं पहुंचता है, लेकिन अक्सर ऐसे सिचुएशन में लोग जज हो जाते हैं और ऐसे ही जजमेंट का सामना करना पड़ा मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह। मिमोह ने बताया कि आज भी मैं देखता हूं कि मेरे पिता के पास रियलिटी शो है, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म है और मैं कुछ नहीं कर रहा। मिमोह का एक सक्सेसफुल पिता के बेटे होने का दर्द छलका है। हम सब जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार है। 80s तो पूरा मिथुन चक्रवर्ती के नाम था और आज तक इस उम्र में भी मिथुन चक्रवर्ती काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन अगर फिल्मों में एक्टिव है तो मिथुन चक्रवर्ती फिल्में, OTT और TV पर एक्टिव है। मिथुन चक्रवर्ती बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियन भी है, कितना कुछ संभाल रहे हैं। वहीं बात करें मिथुन के बेटे मिमोह की, तो वो तो कब के फ्लॉप होके इंडस्ट्री से आउट भी हो चुके हैं। मिमोह ने अपने पिता की सक्सेस को लेकर अपना दर्द शेयर करते हुए कहा, मिमोह ने कहा कि इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट होने के बावजूद, बैकग्राउंड होने के बावजूद आज मेरे पास काम नहीं है तो ट्रोलिंग तो होगी ही। मेरे पिता OTT में, फिल्मों में और TV पर, तीनों प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है और मैं उनका कैलिबर मैच नहीं कर पा रहा हूँ, ये बात सच है। चार और जन्म भी ले लूँ तो भी मैं मिथुन के स्टारडम को मैच नहीं कर सकता हूँ, मैं मिथुन का बेटा होने के लायक ही नहीं हूँ। मिमो ने लोगों से एक और अपील की कि मैं बुरा हूँ ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम देखो, मिथुन का बेटा हूँ इस एंगल से मत देखो। मिमो ने यह भी कहा कि मिथुन का बेटा होने से मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ, ना मेरे पिता ने मुझे कहीं रेकमेंड किया, ना ही मुझ पर पैसा खर्च किया। मेरे पिता ने कहा कि जाओ और अपना रास्ता खुद बनाओ। मिमो ने जिमी नाम की फिल्म बनाने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी फेलियर रहा। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बीच में ही अटक गए, इसके चलते मिमो का करियर खत्म हो गया। तो जाहिर सी बात है मिथुन इतने सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव और उनके बेटे का करियर कुछ ही सालों में निपट गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है बताने के लिए। और जो नेपोटिज्म की डिबेट है उसको भी कुछ हद तक डिफाइन करता है कि चाहे पिता कितने ही बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो, चाहे इंडस्ट्री में कितने ही कॉन्टैक्ट्स क्यों ना हो, लेकिन आपका कैलिबर, आपका टैलेंट भी ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए।